चर्चा के दौरान प्रेम कुमार ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश सरकार गांव में शहर जैसी सुविधा प्रदान करने जा रही है, साथ ही गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाने, रोजगार मुहैया कराने, शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के बेघरों के लिए आवास, वृद्धों के लिए आश्रय का निर्माण कराने की बात कही है। वहीं नीतीश सरकार के बहुचर्चित जल जीवन हरियाली की चर्चा करते हुए कहा कि बजट में इसके लिए 24 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। बजट को किसानों के हित में बनाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि किसानों को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के लिए हर गांव में किसान चौपाल लगाए जाने की योजना है। बिहार के सभी क्षेत्रों में महोदय के माध्यम से सुविधा प्रदान की गई है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि प्रेम कुमार ने बजट सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश सरकार गांव में शहर जैसी सुविधा प्रदान करने जा रही है, साथ ही गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाने, रोजगार मुहैया कराने की भी बात कही है। बिहार के सभी क्षेत्रों में महोदय के माध्यम से के लिए सुविधा प्रदान की गई है। उचित हर घर को बिजली पहुँचाने का काम किया गया है। बिहार के हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल मिले, इसके लिए भी सभी घरों में पाइप जल की सुविधा महोदय प्रदान की गई है। इस तरह महोदय लगातार बिहार के सभी क्षेत्रों में महोदय के माध्यम से। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण सिंह जुड़ गए हैं। जी मनोज जी, विधानसभा में बजट पेश हो चुका है, क्या कुछ है अपडेट? देखिए अलका, जो इस साल 2021-22 के लिए तारकिशोर प्रसाद जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने अपना बजट पेश किया, बिहार सरकार का बजट पेश किया और 2,18,303 करोड़ का ये बजट है और पिछले साल के बनिस्पत ये 7,000 करोड़ ज्यादा का बजट है। तारकिशोर प्रसाद ने विधानसभा में बजट भाषण के दौरान ये दावा किया कि ये बिहार के सर्वांगीण विकास का ये बजट है। कोरोना काल में नीतीश सरकार की उन्होंने सराहना भी की और जो उन्होंने बजट पेश किया उस बजट में स्कीम मद में 1,518,86,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है और स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट 1,17,783,84,00,000 रुपए का है। और इसके इस बजट में एक खास बात और है कि नालंदा में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। जैसे ही जो वित्त मंत्री है उन्होंने ये अनाउंस किया कि राज्य में एकलौता अभी एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी जो नालंदा खेल विश्वविद्यालय होगा। इस दौरान जो आरजेडी के विधायक हैं वो लगातार कमेंट करना शुरू कर दिए कि ये जो भी सारी योजनाएं हैं वो क्या नालंदा के लिए ही हैं। हालांकि इस बजट में अगर देखा जाए तो 7 निश्चय पार्ट 2 पर ज्यादा फोकस किया गया है। लगभग 4,671 करोड़ का इसमें बजट इसका बजट है और जिस तरह से जो मैनिफेस्टो रहा बिहार गवर्नमेंट का, जेडीयू का और बीजेपी का रोजगार का, तो रोजगार पर ज्यादा फोकस किया गया है और जिस तरह से 20 लाख से ज्यादा रोजगार देने की बात बीजेपी ने कही थी चुनाव प्रचार के दौरान में, उसके लिए ये ज्यादा फोकस किया गया है। और ये जो बजट भाषण है उसमें भी इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि 20 लाख से ज्यादा रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। हालांकि उन्होंने इसके लिए टेक्नोलॉजी पर ज्यादा उन्होंने फोकस भी किया है। सारे जो भी प्रमंडल स्तरीय या फिर जिला स्तरीय मेगा स्किल सेंटर की व्यवस्था की जाएगी, मछली पालन को बढ़ावा मिलेगा। और दूसरी बात, दूसरा फोकस उन्होंने, आप हमें ये बताएं कि जो उम्मीद थी लोगों की, ये बजट कहाँ तक सार्थक पेश हो रहा है? देखिए अलका, एक तरह से कहा जाए तो जिस तरह से अगर इसको राजनीतिकरण करके अगर हम लोग देखें तो जिस तरह से आधी आबादी की राजनीति नीतीश कुमार करते रहे हैं, इस बजट में भी महिलाओं को के लिए बहुत सारा प्रावधान लाया गया है। हालांकि जो उद्योग धंधे पर लोगों को ये उम्मीद थी कि उद्योग धंधे कल कारखाने लगाए जाएंगे, इस पर कुछ बजट होगा, लेकिन उद्योग धंधा के नाम पर सिर्फ जो है यहाँ पर स्मॉल लेवल के लिए 200 करोड़ का बजट लाया गया है इसमें। और महिलाओं के लिए, महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने की बात इसमें हुई है और ये जो उद्योग धंधा पर जो 200 करोड़ का बजट है इसमें महिला उद्यमिता के लिए विशेष योजना भी लाया जाएगा। तो एक तरह से कहा जाए तो महिलाओं के लिए ये बजट में ये अच्छा प्रावधान लाया गया है, लेकिन उद्योग धंधा के नाम पर यहाँ पर हालांकि विपक्षी बोलना शुरू कर दिए हैं कि उद्योग का यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है। अगर बिहार के 11 विभाग का अगर समीक्षा करके अगर देखा जाए तो बजट में सबसे अधिक शिक्षा व्यवस्था पर, शिक्षा विभाग पर 91.94% का बजट
यहाँ पर लाया गया है। लेकिन और सबसे कम कृषि में किसानों के लिए यहाँ पर सबसे कम बजट इस साल जो है यहाँ पर लाया गया है, मात्र 2.53% ही ये बजट कृषि के लिए लाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि कहा जाएगा कि किसानों के लिए ये बजट अच्छा नहीं कहा जाएगा, उद्योग धंधे के मामले में अच्छा बजट नहीं कहा जाएगा, महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया गया है, महिलाओं के लिए ये बजट अच्छा कहा जाएगा। अलका जी, मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वच्छ पेयजल मिले इसके लिए भी सभी घरों में पाइप जल की सुविधा महोदय प्रदान की गई है। इस तरह महोदय लगातार बिहार के सभी क्षेत्रों